प्रोविजनल मैरिट लिस्ट आउन तो बाद सब तो वड्डी समस्या जड़ी कैंडिडेट फेस करने हैं वो रूरल एरिया सर्टिफिकेट है। प्रॉब्लम किन्ने तरह की है? एक तो ये जो जानते सी कि रूरल एरिया सर्टिफिकेट या क्लेम की है कि जेकर तुसी 10th क्लास और इसनू कलर नू चेंज कर लिए, जेकर तुसी 10th क्लास नंबर एक और तुसी 10+2 क्लास जुड़ी है ना, दोनों ही रूरल एरिया तो कीती है। जे एक रूरल एरिया तो कीती है तुसी रूरल एरिया क्लेम नहीं कर सकते, जे प्लस टू कीती है तां भी नहीं, जे दसवीं कीती है तां भी नहीं, तुसी दोहों में ही क्लासा रूरल एरिया चो कीती होनी चाहिए हैं। मैं इतों तक भी नहीं कहना, टेंशन का कारण तुसी तुहाडे कोल हर हालत विच सर्टिफिकेट चाहिए है। सर्टिफिकेट ले की है कि 10th क्लास ले प्लस टू क्लास ले जे तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड विच ये दोनों स्कूल सी तो तुसी एक सर्टिफिकेट जरा मैं दिखा दिना हाँ कितों तुसी लेना है, वो सर्टिफिकेट का प्रिंट कढ़ा के फिल करके उसनू अपने जिस स्कूल तो तुसी पढ़े हो उसके हैड तो प्रिंसीपल तो सिग्नेचर कराने हैं, उस तो बाद DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तो सिग्नेचर करवाने हैं जे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ना संबंधित है। इस तरह ये दोवें स्कूलों दे रिगार्डिंग जे सेम स्कूल है जे अलग अलग स्कूल है तुसी ये दो अथॉरिटी तो साइन करवाने ही करवाने हैं, साइन करवाने ही करवाने हैं। जेकर स्कूल CBSE नाल संबंधित है जिथों तुसी 10th ते प्लस टू की है रूरल एरिया विच है तो सरपंच दे जो है सिग्नेचर चलणगे। तुसी कित्थों कढ़ना है प्रोस्पेक्टस तुहानू पता है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ते जाके मैं दस देना है पंजाब BEd एडमिशन GNDU.ac.in ते जाके तुसी प्रोस्पेक्टस आराम नाल कढ़ लैंदे हो। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोस्पेक्टस इत्थे पिया है नीचे, प्रोस्पेक्टस नू क्लिक करदे हो प्रोस्पेक्टस खुल जाता है। प्रोस्पेक्टस दे 43rd पेज, ये मैं पेज दिखाने लगा हाँ, 43rd पेज ते या सर्टिफिकेट प्रिंटड है, अनेक्सचर 5 है सर्टिफिकेट फॉर रूरल एरिया क्लेम टू होम इट, ए वर्डिंग लिखी हुई है तुसी जस्ट फिल करना है। फिल करन विच भी की है तुहाडा नाम है, फादर्स नेम है, विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है, बोनाफाइड कैंडिडेट ऑफ स्कूल का नाम आ जाएगा और किस डेट तो किस डेट तक एग्जैक्ट डेट ज्वाइनिंग ते लीविंग दी उस स्कूल विच जेड़ी है वो फिल की जाएगी है ना। सो हैज़ पास्ड 10th एज वेल एज 12th। जेकर तुसी वक्रे वक्रे स्कूलों तो की है तो अलग अलग स्कूल अलग अलग दो सर्टिफिकेट कढ़वा के तुसी करवा सकते हो, जे सेम स्कूल है तो एक ही सर्टिफिकेट चल जाएगा। सिग्नेचर हैडमास्टर प्रिंसीपल दे विद सील होएगी और इस तरफ DEO सरपंच लिखा है, जे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का यह स्कूल है तो DEO दे साइन होंगे, अदरवाइज CBSE का है तो सरपंच दे होंगे। इन केस ऑफ रूरल एरिया कैंडिडेट दिस सर्टिफिकेट शुड बी काउंटर साइंड बाय डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फॉर स्कूल एफिलेटेड टू स्टेट बोर्ड एंड बाय सरपंच फॉर CBSE, इन लिखी हुई है जो डायरेक्शन है। पहला मेरे ख्याल में रूरल एरिया के बच्चों की प्रॉब्लम की गल कर लीए, हुण होर की प्रॉब्लम आई है कि बनाना किवें है ये दस दिता गया है। हुण एक गल नूं समझ लेना चाहिए है कि जेकर नहीं बनता तां वी एक दिन है तुहानू लगता है बनाने विच मैनू दिक्कत आएगी 24-25 तक तुहानू चाहिए है ना। हाँ कॉलेज प्राइवेट रिलैक्स कर सकते हैं, पॉसीबिलिटी है क्योंकि उत्थे थोड़ा जा वो आ जाता है कि सीट साड़ी फिल हो जाए असी बच्चे ना कॉम्प्रोमाइज़ कर लांगे। जेकर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी विच रूरल एरिया सर्टिफिकेट नाल जाता है वेरीफाई हुंदा है, सो ए बैटर ए है क्योंकि इस दे तुहानू कई बच्चों नू दूसरा की होया कि बच्चों ने वैसे ही रूरल च रहिंदे सी ते उन्होंने फिल करता उन्होंने 1.51% मार्क्स जिहड़े सी ऐड हो गए ने, सो ऐड नालों ये बैटर है कि जे गलती हो गई है ज गलती ना फिल कर गए कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट है अजे तुसी कल का दिन है, तुसी एक ईमेल लिखनी है रिस्पेक्टेड सर आई हैव फिल्ड रूरल एरिया क्लेम इन माई फॉर्म, काइंडली मेक इट करैक्ट एज अर्बन एरिया है ना। नीचे ID दे दियो और अपना नाम वगैरह दे दियो, मेल कर दियो। मेल कितने करनी है ए एड्रेस बार बार दिख ए PBBEd Admissions मैं नीचे लिंक्स भी दे दाँगा 2023@GNDU.ac.in
ਇਹ ਮੇਲ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਮੇਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਕਲੇਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੇ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਹੈ ਦੈਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਅਨੈਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਜਿੱਥੇ ਅਨੈਕਸਚਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਾਸਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਏ ਬਰਥ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸਟ ਐਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਚਲੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਲਿਆ ਹੈ ਇੰਨਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਨੈਕਸਟਰ 3 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਇਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਲਈ ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਸੈਲਫ ਡੈਕਲਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਓਨਲੀ ਫੋਰ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਔਰ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਲਈ ਕਾਲਜ ਡੇਟ ਦੇਗਾ ਟਾਈਮ ਦੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੋ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਸੇ ਮੇਲ 'ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਗਲਤ ਫਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਨੋਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਕੋਰ ਇੰਨੇ ਹਨ ਹੈ ਨਾ ਆਈ ਹੈਵ ਅਚੀਵਡ ਸਕੋਰ 83 ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੇਲ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਬਟ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਫਰੋਮ ਬੋਥ ਲਿਸਟ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਐਜ ਵੈਲ ਐਜ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਸੋ ਕਾਇੰਡਲੀ ਡੂ ਦਾ ਨੀਡਫੁੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕੁਛ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਸਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਜਰ ਮਾਈਨਰ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਇੱਥੇ ਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਾਇੰਡਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨਗੇ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 10th ਮੈਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਰੀਟੋਰੀਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਚੁਆਇਸ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ
मैं वैसे दस देता है, अजिहा नहीं करना। लॉक का मतलब है कि तुसी पूरा फिल कर देता है, इसलिए लॉक करना है, इस तरह की गलती नहीं करनी। तो कई विद्यार्थी ये पूछते हैं कि मैं रूरल एरिया तो हाँ, बट मेरे को सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे को डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, नहीं चलेगा। तुहाडे को रूरल एरिया दे पढ़े होने का सबूत होना चाहिए है, वह भी प्रिंसीपल ते डीईओ दे सिग्नेचर होने चाहिए हैं। रेंदे कितने हो इस नाल कोई संबंध नहीं है, सो ये नहीं चलेगा। सर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनिया, पर मैं ओबीसी मेंशन किया होया है, इस करके दस दो कि ईमेल फिर मैं दस रहा हाँ कि मेल इसे मेल ते तुसी मेल करनी है कि मेरे को बाय मिस्टेक ओबीसी कैटेगरी फिल हो गई है, मैं जनरल कैटेगरी नू बिलोंग करता हाँ, काइंडली करैक्ट किया जाए, इस एना लिखना है। सर मेरा रूरल एरिया सर्टिफिकेट 2020 का बनया है, प्लस टू का, उ चल जाएगा, सिग्नेचर होने चाहिए यार अजे डीईओ दे ते प्रिंसिपल दे, प्लस टू विच भी टेंथ विच भी, सो वो है तो बाकी डिपेंड करता है। प्राइवेट कॉलेज रिलैक्स कर सकते हैं, पर मैं ये कहना हाँ कि तुम टेंशन विच रहोगे। और इस सवाल आ रहे हैं कि किसी की री अपीयर है या री इवैल्यूएशन है। देखो री इवैल्यूएशन की तो फिर भी थोड़ी बहुत संभावना हो सकती है कि तुसी तुहाड़ा रिजल्ट है कॉन्फिडेंशियल लै लो, है ना, ये पॉसीबल है। तीजी काउंसलिंग तक, दूजी काउंसलिंग तक, जां स्टूडेंट रिटर्न तक, वो थोड़ा जा होर तरह की हिम्मत मारनी पएगी। लेकिन री अपीयर जब जेकर अगले सेमेस्टर तक जाता है तो बीएड विच एडमिशन नहीं होएगी, इसलिए तुहानू होर किसी क्लास विच एडमिशन लैन बारे सोच लेना चाहिए है। ये कुछ कह रहे हैं कि साढ़ा सिक्स थैम का रिजल्ट लेट आएगा, कोई प्रॉब्लम है, RLR आ जाता है, डॉक्यूमेंट तुसी शो करते हो, रिजल्ट उस वक्त मिल जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। सेकेंड काउंसलिंग तक कर सकते हो, हूँ भी कर सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी ज्यादा। सर हुण रिजल्ट फिल कर दिता कि फाइनल लिस्ट मैरिज नाम आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। जिस तरह कह रहे हैं कि साडा रिजल्ट आ गया है, मेरा नाम डिस्क्रिपेंसी लिस्ट च है, तो असं रिजल्ट फिल कर सकते हैं, बिल्कुल कल का ही दिन बचता है। सर मेरा दोनों लिस्ट विच नाम नहीं है, मेरे 83 मार्क्स है, तुसी भी उसी तरह मेल करनी है। ये भी कह रहे हैं 75th रैंक से सॉरी नंबर है 75 नंबर है, लेकिन दोनों लिस्ट विच नाम नहीं है, तुसी यूनिवर्सिटी नू इसे एड्रैस से मेल करनी है कि साढ़े स्कोर एने ने पर साडा नाम उदे विच नहीं है, काइंडली उसनू करैक्ट किया जाए फाइनल लिस्ट विच, फाइनल च तुहानू मिल जाएगा। सर कॉलेज सीट किद्दां पता लगेगी, 23 तरीक नू तुहाडे ही जिहड़ी आईडी पासवर्ड है ईमेल कढ के तुसी अपना पासवर्ड कैप्चा फिर फिल करदे हो, वह जदों फिल करोगे तो तुहाडी रिजल्ट जिहड़ा है स्लिप निकल आएगी, उसका प्रिंट लै लेना। सर बीए विचों किसी की एक पेपर की रीअपीयर है, हाँ नहीं होएगा, क्योंकि रिजल्ट तो उस तो लेट हो जाओगे, जे उस तो पहला रिजल्ट आ जाएगा पर पॉसिबल नहीं है। मेरा प्रोविजनल मैरिट लिस्ट नाम है पर रूरल एरिया दे मार्क्स नहीं लगे, सो असी ईमेल कर सकते हाँ, बिल्कुल जे तुहाडे को सर्टिफिकेट है रूरल एरिया दा बन सकता है, जे बन चुका है तो मेल करो कि साढ़े मार्क्स ऐड भी किए जान। अगर तुहाडा नाम डिस्क्रिपेंसी लिस्ट विच है ये कह रहे हैं, तो डिस्क्रिपेंसी लिस्ट दे ए देख लो, ये डिस्क्रिपेंसी लिस्ट है, इस दे लास्ट ते लिखा होएगा कि स्टूडेंट स्टेटस डिस्क्रिप्शन, इसनों पढ़ लो वो चीज़ बारे। तुसी जेकर ये पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन दे मार्क्स है वो तुसी खुद अपलोड करने हैं लॉगिन पासवर्ड फिल करके। जेकर रिगार्डिंग रूरल एरिया है, नाम गलत है, है ना, सर्टिफिकेट गलत फिल हो गया है, उदे बारे तुसी ईमेल करनी है। सो निचोड़ है कि ईमेल ही एक लास्ट सहारा है, घबराना नहीं है, तुसी कुछ ऐड करवाना है जां डिलीट करवाना है, उस मेल ते ब्रीफ विच मेल कर देनी है। किसी तरह का होर सवाल हुए तुसी इस वीडियो दे नीचे पूछो, ताजो मैं उस दे ब्रीफ तुहानू जवाब दे सकां। एमरजेंसी है, टेंशन नहीं लैनी, फोन नंबर दिता है 8427458843, वॉइस मैसेज कर सकते हो, फोन कर सकते हो, नहीं है तो मैं बैक कॉल कर लेना जो मेरा टाइम लगता है, जब देखता हाँ। थैंक यू।